दीपक जी, आज विधानसभा परिषद में भी विधानसभा में भी उस पे बहस होगी बजट पर। किस तरीके से देखते हैं बजट को और क्या कुछ कांग्रेस करने वाली है? मैं तो आपके सारे व्यूअर से बात कहूंगा कि वो बजट उठा लें पिछला 5 भारतीय जनता पार्टी का, हर बार उसी को फोटो कॉपी करके अगले बजट में कुछ आंकड़ों की हेरा फेरी करके प्रस्तुत कर दिया जाता है। स्कीमों की बासी कड़ी बनाई जाती है, उसे उबाल कर प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो इस तरह से मुझे लगता नहीं कि सरकार चल रही है। बिना जिस तरह से काम किए सरकार जीत कर आती है, उस तरह से हर बार नहीं चलेगा। वो एक कहावत कही जाती है कि अंधे की लाठी बार बार नहीं गायब होती। तो उत्तर प्रदेश के जनकल्याण के बारे में सोचें, स्कीमों की बासी कड़ी उबाल कर जनता के लिए ना प्रस्तुत करें। किसानों की आय की जिस तरह से बढ़ चढ़ कर बात हुई थी, बात करना सरकार करी अब तक का सबसे बड़ा बजट है। उन्होंने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे कि 130 वादे किए थे, इसमें 97 इसी बजट में समाहित कर दिए हैं। मूल्यांकन इस बात का होना चाहिए कि जो पिछली बार उन्होंने बजट में वादे किए थे उसमें कितने पूरे हुए, कोई नहीं पूरे हुए हैं। अगर हम यूं कहें सबसे बड़ा बजट है, तो आजाद भारत से लेकर इस बजट तक हर बार बजट तो बढ़ के आता है। भारतीय जनता पार्टी जिस सफाई से झूठ बोलती है, उस सफाई की तो माहिर है। इन्हें चुनाव लड़ना जरूर आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कल्याण करना नहीं आता है। उत्तर प्रदेश कई सारे मामलों में पिछड़ा है। इन्होंने लाइन ऑर्डर की बात की, जिस तरह से थानों में FIR लिखाने गई, महिला के साथ दुराचार हुआ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हर मामले में पिछड़ता गया, हमारे रेशियो में हम पीछे होते गए। तो मुझे लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी मुद्दे पर बोलने का हक है। मैं तो चैलेंज करता हूं विकास के किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठें और चर्चा कर लें। चर्चा होती है, चर्चा देखिए, चर्चा में भागते हैं, झूठ बोलकर चल देते हैं। चलिए, तो विपक्ष लगातार यहां पर अनुप तैयारी में नजर आ रहा है और सदन की कार्रवाई के पहले ही जिस तरह से तेवर है विपक्ष के, उससे साफ है कि आज जब कार्रवाई शुरू होगी तब सदन में काफी हंगामा हो सकता है, इसके आसार हैं। अनुप, हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे जब इस बजट पर चर्चा होगी, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने।